तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये बेसिकली एक आसान क्वेश्चन है, यूं कहो तो एक क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो ये आपको आना चाहिए। एक पर्सन है जो, वो पहले जो पर्सन है वो यूज करता है स्पेक्टिकल्स अब पावर -1 डायोप्टर। -1 डायोप्टर डिस्टेंस विजन, मतलब उसको मायोपिया है, दूर का उसको दिख ही नहीं रहा है, मतलब ब्लर्ड दिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो और वही पर्सन नियर नियर की चीज़ों देखने के लिए 2 डायोप्टर पावर यूज करता है। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन? तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि जो ये जो फाइनल इमेज है इस केस में वो कहाँ बन रहा है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन मतलब अगर लेंस फार्मूला से देखोगे तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। और अगर जो पावर है +2 डायोप्टर है, तो पावर +2 डायोप्टर, तो लेंस कैसा है भाई? कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस है तो इसका जो पावर इज इक्वल टू होता है 1/फोकल लेंथ। तो पावर +2 डायोप्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/फोकल है, तो फोकल की नहीं 1/2 आ जाएगा, माता सर, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये 1/2 मीटर में होगा, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100/2 ये वाला जो है फोकल लेंथ आ जाएगा। तो इतना जो है सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगा। तो अगर सोल्यूशन सेंटीमीटर में है, तो यंग पर्सन के केस में, यंग पर्सन के केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो डी की वैल्यू है वो कि यू है जो डी 25 सेंटीमीटर में है, तो 1/v - 1/25 इज इक्वल टू 100/2 यहाँ से, तो 1/v इज इक्वल टू +1/25 इज इक्वल टू 100/u। इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू 100/100/2 यहाँ से -1/25, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ से 100/t, ये जो वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये जो चीज़ है यहाँ से, तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/100 आ जाएगी, क्योंकि 1/f की वैल्यू है, तो 2/100 आ जाएगी, मतलब 1/50 आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा v की जो वैल्यू आ जाएगी वो -50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो फाइनली जो है v है वो -50 सेंटीमीटर, ये हमारा सही है। थैंक यू।